तो दोस्तों, क्या आप अभी भी जीरकपुर में एक लग्जरी फ्लैट सर्च कर रहे हैं? तो आज हम आए हैं द जीरक नाम से एक प्रोजेक्ट में, जिसमें हम आपके लिए लग्जरी 3 BHK एंड 3+1 BHK के फ्लैट्स लेके आए हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों द प्रॉपर्टी सफारी में, और आज हम आ गए हैं द जीरक में, जो कि एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे स्टिल+9 से लेके स्टिल+19 तक के कंसेप्ट में हमारे पास 3 BHK एंड 3+1 BHK के फ्लैट्स बने हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हमारे पास 4 टावर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं साइजेस की बात करूँ, 1750 स्क्वायर फीट से लेके हमारे पास 2290 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस पूरी टाउनशिप की बात करें दोस्तों, तो ये 4 एकड़ की पूरी टाउनशिप रहेगी, जिसमें से 1.5 एकड़ तो हमने सिर्फ यहाँ पे ग्रीन एरिया आपके लिए रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको हमारा सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, जो 1990 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। एंट्रेंस आ जाती है हमारी स्मार्ट सिक्योरिटी लॉक के साथ, और इसको हमने कुछ इस कंसेप्ट में बनाया हुआ है ताकि एंट्रेंस से आपको कोई भी बेडरूम या ड्राइंग रूम की विजिबिलिटी बिल्कुल भी ना रहे, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। और स्टार्टिंग में ही हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम एरिया, जो हमारी एल शेप बेल्कनी के साथ अटैच रहेगा। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं, तो 11x15 का इसका टोटल साइज़ रहेगा, और यहां पे आपको हम वार्डरोब जो है एज इट इज़ लगा के दे रहे हैं। आप इसके सैम्पल फ्लैट से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने किस डिज़ाइन के साथ इस कंसेप्ट में हम आपके लिए फ़्लैट लेके आए हैं। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम एरिया रहेगा, और ये आ गई हमारी एल शेप बेल्कनी एरिया, जिसको मैं आपको एंड में प्रॉपरली दिखाऊंगा। तो अब हम अपना वॉशरूम एरिया चेक कर लेते हैं। अगर मैं साइज़ की बात करूं, तो इसका साइज़ जो रहेगा 7.5x5.5 का रहेगा, जिसमें हम प्रॉपर आपको टाइल वर्क और असेसरीज लगा के दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो 3 BHK का हमारा फ्लैट जो है 96 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जिसका साइज़ जो रहेगा 1750 स्क्वायर फीट रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, तो 20x20 का हमारा ये टोटल एरिया रहेगा, जिसको हमने कुछ एल शेप में यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आ गया हमारा ड्राइंग एरिया, जहाँ पे आप 8-10 सीटर सोफ़ा इजीली जो है यहाँ पे लगा सकते हो, और इस यहाँ से भी आपके जो है बेल्कनी का एक्सेस रहने वाला है, और सामने आ जाती है हमारी प्रॉपर एक मॉड्यूलर की। तो दोस्तों, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है जहाँ पे आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलने वाला है। ये हमारा हाई ग्राउंड रोड पे है, जो कि त्रिशला के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है, और ये आ गई हमारी प्रॉपर एक मॉड्यूलर किचन, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक वेट एरिया एक ड्राई एरिया। प्रॉपर आपको यहाँ पे सभी के सभी वार्डरोब्स जो है मिलने वाले हैं, कैबिनेट्स आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ रहे हैं सभी के सभी कैबिनेट्स। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ हमारे प्रोजेक्ट की अमेनिटीज़ और बता देता हूँ, जहाँ पर आपको किड्स प्ले जोन अलग से मिलने वाला है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सभी की सभी मिलने वाली है, फाइबर की कनेक्टिविटी रहेगी आपके वाईफाई के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम और CCTV सर्विलेंस यहाँ पे इंस्टॉल करके हम दे रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में, जो कि एक गेटेड टाउनशिप है 24/7 सिक्योरिटी के साथ। ये आ गया है दोस्तों हमारा एक और वॉशरूम एरिया, जो हमारे सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है और ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्टेड है। तो दोस्तों, अब हम एंटर कर रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि 10x13 के डायमेंशन में बना हुआ है, और यहाँ से भी आपको जो है बेल्कनी के एक्सेस मिलने वाला है। मतलब कि तीनों बेडरूम्स के साथ और ड्राइंग डाइनिंग के साथ आपको आपकी बेल्कनी के एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर हम आपको कुछ इस तरीके के कैबिनेट्स बना के दे रहे हैं विद लाइट्स, और ये रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम एरिया, जो हमने ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी देखा था। पूरे वॉशरूम में दोस्तों हम एंटी स्किड टाइल्स आपको लगा के दे रहे हैं, साथ में CP की फिटिंग रहेगी। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, तो यहाँ पे केबल स्विचेस जो हैं अच्छी ब्रांड के यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। नेसेसरी पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है AC और गीज़र के लिए। तो अब हम एंटर कर गए हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में, जो कि हमारा रहेगा मास्टर बेडरूम। हमारे मास्टर बेडरूम का साइज़ जो रहेगा 11x15 का रहेगा,
और यहाँ पे आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया जो कि 8x5.5 की डायमेंशन में बना हुआ है, जहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स हम आपको लगा के दे रहे हैं। और ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। तो दोस्तों, हम आपके लिए हर वीक एक नई वीडियो लेके आते हैं, वो भी जीरकपुर एरिया के लिए, ताकि जीरकपुर के हम मैक्सिमम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कवर कर सके। तो अगर आपके माइंड में भी कोई कन्फ्यूजन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा, किस प्रोजेक्ट की पोजेशन कब है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारी टीम से कंसल्टेशन ज़रूर ले सकते हैं, ताकि हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और हमारा जो नंबर रहेगा दोस्तों, आपको स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है 9056666533, और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा नंबर अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी एल शेप वॉकिंग बैल्कनी, जो कि 6 फीट वाइड रहेगी। और यहाँ पे आ जाता है हमारा पार्क का जो एरिया रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम आपको 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया स्पेशली दे रहे हैं, साथ में एक आपको क्लब हाउस दे रहे हैं, ओपन जिम दे रहे हैं, गजीबो, और स्पोर्ट्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट हम बना के देने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे और भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। आपकी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।